Hello, assalamu alaikum. In this video, I'm going to talk about the second wave of COVID-19. Please watch the full video. Alright viewers, so aaj video mein baat karna cha raha hu COVID-19 ki second wave ke hawale se. Aur afsos ki baat ye hai ki second wave bahut kareeb aa chuki aur is waqt aap dekh sakte hain ki Pakistan mein aur internationally kya surat-e-haal hai. Cases ki tadad bhi badhti ja rahi hai aur hum khabron pe bhi sun rahe hain ki kya situation hai aur dobara situation ban rahi hai ki lockdown ki taraf jayenge. तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल होगी क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं जो फेब के बाद लॉकडाउन हुआ और अगस्त तक बहुत ही सीवियर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था और उसके बाद फिर थोड़ी सी नरमी आई और फिर केसेस की तादाद भी नहीं रही. अब कहने की बात ये है कि कोविड-19 जैसे कि अब हमारे वज़ीर आज़म ने भी कहा कि इसके साथ जीना पड़ेगा और इसके साथ गुजारा करना पड़ेगा और पूरी दुनिया भर के प्लेटफॉर्म से यही बात कही गई और अभी कोई ख़ास ऐसी वैक्सीन का भी कोई किस्सा सुनने में नहीं आ रहा. शुरू में थोड़ा सा आया था, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया. तो अभी कोई ख़ास इसका कोई नुस्खा कोई हल नहीं मिला है कि जिससे ये चीज़ें स्टॉप हो या एक पॉइंट पे रुक जाए. तो अब जो पीछे बयान आता है उनकी अगर बात करें, जब कोविड-19 नया नया आया था तो उस वक्त बहुत से बयान आए WHO की तरफ से. कुछ बातें यहाँ से भी की गई पाकिस्तान के लोकल लोगों ने और बहुत से लोगों ने अपनी कुछ अजम्पशंस दिए. तो वो ये था कि जब गर्मी आएगी तो ये वायरस चला जाएगा. तो अभी मैं उस दिन YouTube पे एक वीडियो भी देख रहा था तो एक साहब बहुत ज़्यादा इस बात पे गुस्सा कर रहे थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जब दिसंबर में यहाँ सर्दी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में तो गर्मी होती है, तो वायरस उन्होंने कहा वहाँ भी आया. तो इसका गर्मी का मौसम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोविड-19 का मौसम से ये कहा गया और इसको इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए अनाउंस किया गया कि कोविड-19 का मौसम से कोई ताल्लुक़ नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पाकिस्तान में हमने ये देखा कि सर्दियों में ही कोविड-19 अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे था और गर्मियों में सिचुएशन बिल्कुल अलग थी. अब बहरहाल ये बात दोबारा क्लियर क्यों नहीं की गई. बहरहाल पाकिस्तान में चीज़ें उल्टी हो जाती हैं और जैसा कि लोगों ने कहा था, यहाँ के लोकल जो साइंटिस्ट हैं, आपको पता है कौन लोग हैं, तो उन्होंने ये बात कही थी कि यहाँ पर गर्मियों के अंदर ख़त्म हो जाएगा. पाकिस्तान की गर्मी इतनी ख़तरनाक होती है और वही हुआ कामयाबी के साथ. हमने कर दिखाया और हमारी पाकिस्तान की गर्मी ने कोविड-19 को मार दिया था और बहुत अच्छे से सब चीज़ें खुल गई थी, लाइफ रिवर्स हुई और उसी तरह चीज़ें ओपन हो गई. और जिस पर सबसे बड़ी बात ये कि बिल गेट्स ने कॉल करके मुबारकबाद दी और अमेरिका में टॉक शोज़ में मीडिया पे ये बात बाकायदा कही गई कि पाकिस्तान ने जैसे अपने इंतज़ाम किए और पाकिस्तान का जो तरीका है वो सबको अपनाना चाहिए. और आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तान का क्या तरीका था और पाकिस्तान ने कितनी एहतियात की. बहरहाल तो वो जो गर्मी वाला मामला था, वो क्लेम तो यही किया गया कि गर्मी में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही हुआ कि गर्मी में इसने असर नहीं किया. और अब पूरी वर्ल्ड में, जबकि इसको मौसम से रिलेट नहीं किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही सर्दी की ज़रा सी बात शुरू हुई तो ये बात बाकायदा फैलने लगी. मैंने भी वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी, सेकेंड वेव के हवाले से अवेयरनेस दी थी. अब इसको सर्दी के साथ ऐसे जोड़ दिया गया है जैसे सर्दी के अंदर ही चलता है ये. और मेरा ख्याल है इस चीज़ की तरदीद करनी चाहिए और इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए कि आया इसका मौसम से ताल्लुक़ है कि नहीं. लेकिन पाकिस्तान में आप लोग विटनेस हैं, ऐसा ही हुआ कि गर्मी में एक अलग सिचुएशन पैदा हो गई, कोविड का किस्सा ही ख़त्म हो गया था. लेकिन अब जैसे फिर दोबारा सर्दी आ रही है तो फिर दोबारा इस चीज़ को रेस किया जा रहा है. तो बहरहाल आई डोंट नो क्या सिचुएशन है इसमें. तो पाकिस्तान में तो अल्टीमेटली यही हो रहा है कि अब सर्दी आ रही है और इसका ज़ोर बढ़ता जा रहा है, तो डेफ़िनेटली कोई तो ताल्लुक है. अब ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स हैं और जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने हैं. एंड यू नो व्हाट, जो सेकंड थिंग मैं बात करने चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, वो टेस्ट के हवाले से है कि जो इसका टेस्ट है PCR टेस्ट, जिसके थ्रू डायग्नोस किया जाता है और पेशेंट को बताया जाता है. तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी अवेयरनेस हो कोविड के हवाले से और टेस्ट के हवाले से स्पेशली. तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, PCR की फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है. यानी इसके अंदर ये किया जाता है कि इंसानी बॉडी में जो पॉलीमर्स मौजूद होते हैं, यानी पॉलीमर्स वो जो एक किस्म के मॉलिक्यूल एक बॉन्डिंग बनाते हैं, तो उसकी फॉर्मेशन जो होती है, यानी उस बॉन्ड में कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वो कैसे फॉर्मेट हुआ है, कैसे बना है, तो उसकी फॉर्मेशन को पता लगाने के लिए ये टेस्ट है PCR टेस्ट, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन. तो ये उस फॉर्मेशन को बताता है और अगर वो फॉर्मेशन आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही होती तो इस टेस्ट में ये मेथड इन्वॉल्व है कि ये एम्पलीफाई करता है उस RNA को या DNA को, और एम्पलीफाई करके जो चीज़
क्लियर नहीं होती तो इसकी जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, जितनी साइकिल्स ऐड होती जाती हैं, ये मज़ीद लार्ज होता जाता है और एम्पलीफाई करता जाता है सब्सटेंस को, उस पॉलीमर को, ये लार्ज करता जाता है उस पॉलीमर को और आप उस फॉर्मेशन का पता लगा लेते हैं। तो ये टेस्ट यूज़ हो रहा है डायग्नोस्टिक टूल की तरह, डायग्नोस करने के लिए कोविड-19 को, जो पॉलीमर की मॉलिक्यूल बॉन्डिंग की फॉर्मेशन बताता है और किसी भी डीएनए या आरएनए की जो फॉर्मेशन है ये स्पेशली उसको बता रहा होता है। तो इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं नेट पे जगह जगह कि ये जस्ट फॉर्मेशन बताने के लिए ये टेस्ट है, ऐसा कहा जा रहा है। मैंने भी देखा कई जगहों से कहा गया और कई प्लेटफॉर्म से ऐसा कहा गया, फिर इसकी तरदीद ऐसा इतनी ख़ास नहीं आई। मैंने देखा कि तरदीद में ये हुआ कि विकिपीडिया पे जो इसका इन्वेंटर है कैरी मॉलिस, उसकी जो विकिपीडिया पे उसका जो पेज है वहाँ पे नीचे एक नोट मेंशन कर दिया गया कि ये क्लेम किया जा रहा है कि कैरी मॉलिस ने ये कहा कि ये PCR टेस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए नहीं होता, तो उन्होंने एक नोट शामिल कर दिया कि ऐसा नहीं है, ये उसने नहीं कहा। तो ये तरदीद आई है, इसके अलावा कोई ख़ास तरदीद नहीं आई। जबकि टेस्ट की जो नेचर है वो मैंने आपको बताई, जो पॉलीमर्स की जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है वो इस टेस्ट की मदद से पता चलती है। तो इसमें यही बात कही जा रही है, वो लोग जो क्लेम उठा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इस टेस्ट में जस्ट फॉर्मेशन पता चलती है, यानी ये मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से ये टेस्ट ज़्यादा बेहतर है, यानी पॉलीमर की मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है वो इस टेस्ट के ज़रिए पता चल जाता है। पर इसको डायग्नोस्टिक टूल की तरह यूज़ करना कि क्योंकि इससे अभी तक जो जानते हैं इस चीज़ के हवाले से या PCR टेस्ट के हवाले से जानते हैं तो उनके बाद पता होगी कि कोविड-19 का कोई गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट अभी तक नहीं है, यानी जो PCR टेस्ट की साइकिल्स हैं वो तय नहीं है कितनी साइकिल्स आपको इन्वॉल्व करनी है टेस्ट में। तो अभी तक इस टेस्ट का कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए ऐसी बातें हो रही हैं। अगर कोई गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट आ जाए, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम जैसे वज़न करते हैं, वेट करते हैं, तो अगर 1 किलो का हमारे पास कोई वेट होता है तो हमें पता होता है ये 1 किलो है और उसकी मदद से हम कोई भी चीज़ दूसरी जगह पे रख के पता लगा लेते हैं कि हाँ ये भी 1 किलो है। तो इस वजह से क्या होता है, उस चीज़ की बारीकी और उसकी सही होना हमें पता चल जाता है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है और ये बारीक है बिल्कुल, यानी तोल नाप तोल में, इसीलिए कितना हुक्म है मज़हब में, दीन में, हमारे यहाँ कुरान में अल्लाह का फरमान है कि नाप तोल वाले के लिए बहुत मसाइल होंगे रोज़े महशर में, क्योंकि नाप तोल की बड़ी अहमियत है दीन में। तो नाप तोल और फिर साइंस की दुनिया में और केमिस्ट्री की दुनिया में आप लोग जानते हैं कि एक चीज़ का जब आप न्यूमेरिकल्स भी करते हैं तो मिलीग्राम में भी वेट मेंशन होता है और उससे फ़र्क पड़ रहा होता है हर चीज़ पे। तो इसके अंदर क्या है, इस टेस्ट के अंदर कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, यानी इस टेस्ट का प्रोसीजर गोल्ड स्टैंडर्ड लेवल पे नहीं है। कितनी साइकिल ऐड होंगी, कितना एम्पलीफाई किया जाएगा, और एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात इस टेस्ट के हवाले से वो ये है कि इसमें एम्पलीफाई किया जाता है RNA को। तो जो डॉक्यूमेंट्स PCR टेस्ट के हवाले से कोविड-19 के हवाले से हैं, तो मैं चाह रहा हूँ ये सब बातें आप लोगों को पता हो अवेयरनेस पहले, क्योंकि सेकेंड वेव फिर आ रही है, ताकि आप लोग तैयारी करें और जो हिदायत हैं उन पर अमल करें और चीज़ों को समझ लें आप। तो इसका जो टेस्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी ये बात मेंशन है, इसके अंदर अभी तक इस टेस्ट के थ्रू कोविड-19 आइसोलेट नहीं हुआ है, जबकि वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए या क्लेम करने के लिए कि ये वायरस है उसको आइसोलेट करना होता है, उसकी बाउंड्रीज डिफ़ाइन करनी होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करनी होंगी। तो अभी तक तो ये वायरस आइसोलेट भी नहीं हुआ है, यानी प्योरीफाई नहीं किया गया RNA में से, जिस RNA में, बस होता ये कि ये PCR टेस्ट के थ्रू अलग RNA मिलता है किसी भी ह्यूमन बॉडी में, लंग्स के पास या जहाँ से भी वो फ्लूइड लेते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस को कोविड-19 कह दिया जाता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स आपको पता है फ्लू की तरह है, तो ख़ास कोई अनोखा सिम्टम्स तो इसका है ही नहीं। होता ये कि बस जब वो एक अजीब व गरीब RNA या DNA हो, वो बहुत सारे वजहों से हो सकता है इंसानी जिस्म में, क्योंकि हम सुबह शाम ऐसी चीज़ें इनटेक करते हैं और हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि बहुत से DNA RNA हमसे आके इंटरेक्ट होते हैं, हमारी बॉडी में शामिल हो जाते हैं और वो ख़त्म भी हो जाते हैं अंदर, ऐसा सिस्टम भी मौजूद है। हमारा इम्यून सिस्टम यही काम करता है कि ऐसे तमाम कॉन्टेक्ट्स को, ऐसे तमाम स्ट्रेंज RNAs को, DNAs को ख़त्म कर देता है। तो ये RNA DNAs बहुत सी वजूहत की वजह से हमारी बॉडी में हो सकते हैं। तो ये कुछ ख़ास स्पेसिफ़िक RNAs और DNAs की मौजूदगी को कोविड-19 क्लेम कर देते हैं इस टेस्ट के थ्रू, क्योंकि ये टेस्ट जस्ट फॉर्मेशन बताता है
कि वो पॉलीमर कैसे फॉर्मेट हुआ, कैसे बना है, उसकी क्या मैन्युफैक्चरिंग है. लेकिन इस टेस्ट से अभी तक कोविड 19 को आइसोलेट नहीं किया गया, प्योरीफाई नहीं किया गया. तो ये टेस्ट की थोड़ी सी डिटेल थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था, और हो सकता है कि मेरी मालूमात में कोई कमी हो तो जो हज़रात वीडियोस देख रहे हैं वो मुझे अवेयर कर सकते हैं, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बना के इन चीज़ों को क्लियर भी कर सकता हूँ, या मैं इन चीज़ों का जवाब दे दूँगा कि ठीक है मैंने ये कहा था और मुझे किसी ने ये बताया. क्योंकि अब अवेयरनेस की बात हो रही है सब जगह पर, ख्याल की, एहतियात की, तो कोविड की हमें ख़ास जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो हमारे पास होनी चाहिए. मास्क की, सैनिटाइज़र की ज़्यादा बात होती है, कोविड 19 की कम बात होती है. नंबर ऑफ़ केसेस की बात ज़्यादा होती है, टेस्ट करने की बात ज़्यादा होती है, टेस्ट क्या है बाई इटसेल्फ ये बात कम होती है. तो इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए लोगों को, और हर तरह से अवेयर रहना चाहिए, हर तरह से कॉन्शियस रहना चाहिए, और हर तरह से एहतियात करनी चाहिए जिस तरह भी कर सकें आप. तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मद्देनज़र रखने चाहिए, और अपना ख्याल रखें, साफ़ सुथरे रहिए, जो 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 प्रिकॉशंस बताए गए. और मज़ेदार बात ये कि हमारे दीन में और हमारे तो रोज़मर्रा के तरीक़ों में हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने यही सिखाया है कि खाना खाने से पहले हाथ धो, बाहर से आके हाथ धो, इवन ये कि नोट को पकड़ने के बाद हाथ धो. तो हमारी तो ये सब आदतें हैं जो अब सबको करनी पड़ रही हैं. हमारे घरों में, हमारे माशरे में, पढ़े लिखे घरानों में ये आदतें ऑलरेडी मौजूद हैं. तो बहरहाल अल्लाह सबको महफूज रखे. जो भी नया सिस्टम आ रहा है, सेकेंड वेव आ रही है, और मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी सेप्टेम्बर के स्टार्ट में बनाई थी मैंने, और बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस भी आए, कमेंट्स भी आए कि बिल्कुल आपने बनाई थी और सेकंड वेव आ रही है, शायद आप लोगों ने वीडियो ना देखी हो. तो मैं उसका लिंक मेंशन कर दिया स्टार्ट में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं इस वीडियो को. तो अवेयर रहना चाहिए बिल्कुल, और बीमारियों से हों या हालात से हों या वाकयात से हों, हर चीज़ से अवेयरनेस होनी चाहिए, और चीज़ों को गहराई में जाके डेप्थ में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए. क्योंकि आपको पता है बहुत ही मॉडर्न दौर है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगी. हम भी बहुत हद तक इंटरेक्शन में हैं, तो आजकल के पेरेंट्स को भी इन सब चीज़ों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आगे नेक्स्ट जनरेशन के साथ वो इवन बात तो कर सकें, क्योंकि उनका जो दौर आएगा वो बहुत ही एडवांस होगा. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.